गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आते हैं क्लास सिक्स की मैथ्स में, पेज नंबर 8 में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करा दी थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टीमेशन, ठीक है। एस्टीमेशन जैसे हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम कई बार एस्टीमेशन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हमने एक पार्टी अरेंज कर ली, ठीक है, उस पार्टी में जो भी पैसा हमने खर्च किया उसको कई बार हम एग्जैक्ट नहीं बताते, अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं। जैसे ₹35,000 जो है लगभग उस पार्टी के लिए खर्च हुआ है, तो ठीक है। कई बार हम कहीं जा रहे हैं तो एग्जैक्ट टाइम ना हमें नहीं पता, तो हम लगभग बताते हैं। जैसे हमें कहीं जाने में 3 घंटे लगे हैं तो हम कहते हैं हमें वहाँ जब पहुँचने में 3 घंटे लगभग लग गए अप्रॉक्सीमेटली, तो ये सब एस्टीमेशन कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं एस्टीमेशन करते कैसे हैं, उसके रूल्स देखते हैं। देखिए, जब हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करेंगे यानी एस्टीमेशन करेंगे तो उसके लिए देखिए, आप सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, जब 0, 1, 2, 3, 4 आएगा, कहाँ आएगा ये मैं भी आपको बताऊंगी। जब 0, 1, 2, 3, 4 आएगा तो हम बगल वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इनकी जगह पे 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स आएंगी तो इनकी जगह तो 0 होगा जिस जगह पे ये डिजिट आएगी, लेकिन बगल वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब किसकी जगह पे ये डिजिट आएंगी तो ऐसा करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, नियरेस्ट 10 एक नंबर है, 468, इसको हमें किस में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 में। तो याद रखिएगा, जब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो 1 प्लेस के डिजिट को देखते हैं, और जब नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो हम 10 प्लेस के डिजिट को देखेंगे, और जब हम नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करेंगे तो हम 100 प्लेस के डिजिट को देखते हैं, और जब हम नियरेस्ट 10,000 में राउंड ऑफ करेंगे तो हम 1000 प्लेस के डिजिट को देखते हैं। मतलब जहाँ तक राउंड ऑफ करना है जस्ट उसके एक डिजिट, एक मतलब पहले वाले डिजिट देखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है हम, तो हम 1 प्लेस के डिजिट को देखेंगे। अब देखिए, 1 प्लेस डिजिट में क्या है, 8 है, तो इसकी जगह तो 0 आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है अगर 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो बगल वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 8 है उसकी जगह तो 0 हो जाएगा, लेकिन 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7, और बाकी जो डिजिट्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए, इसी नंबर को जब हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ 10 में राउंड ऑफ किया था, अब 100 में राउंड ऑफ जब करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया जहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं उसके एक प्लेस पहले के डिजिट को देखते हैं, तो नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो हम नियरेस्ट, तो हम 10th प्लेस के डिजिट को देखेंगे। अब देखिए, 10th प्लेस, 10th प्लेस के डिजिट में क्या है, 6 है, तो 6 भी देखिए, 6 भी है जो आप मतलब याद रखिएगा, अगर 5 से छोटी नंबर है तो बगल में कुछ भी ऐड नहीं होगा, और 5 है या 5 से बड़ी डिजिट है कोई तो उस बगल वाले डिजिट में 1 ऐड होगा, तो ये 6 जो है 5 से ग्रेटर है तो बगल वाले डिजिट में कितना ऐड हो जाएगा, 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 5 और 1 और 10 दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया आपको? अब एक हम नंबर लेते हैं ये, अब इसको हमको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है। जब इस नंबर को हम नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करेंगे तो हम उसके एक प्लेस पहले के डिजिट को देखेंगे यानी 100 प्लेस के डिजिट को देखेंगे। अब देखिए, 100 प्लेस के डिजिट में क्या है, 4 है, 4 5 से छोटा है तो बगल वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, और 1, 10, 100 तीनों की जगह क्या आ जाएगा, 0 और 2 का 2 आ जाएगा, तो आ गया आपका 2000, ठीक है। इसी तरह हम एक नंबर ले रहे हैं ये, इसको अब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10,000 में। जब नियरेस्ट 10,000 में राउंड ऑफ करेंगे तो हम 1000 प्लेस की डिजिट को देखेंगे, 1, 10, 100, 1000 1000 प्लेस में 6 है, 5 से बड़ा है तो बगल वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो 2+1, 3 हो जाएगा, और 1, 10, 100, 1000 इन चारों की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। समझ में आया आपको? तो क्या करते हैं, जिस प्लेस तक हमें उसे राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट एक प्लेस पहले के डिजिट को देखते हैं, और उस डिजिट में क्या देखते हैं, अगर वो डिजिट 0 से 4 तक की डिजिट है तो उसकी जगह तो 0 आएगा, लेकिन बगल में कुछ भी ऐड नहीं होता है राइट साइड वाली डिजिट में, ठीक है। लेकिन अगर 5 to 9 तक की डिजिट है तो उसकी जगह तो 0 आएगा, लेकिन राइट साइड में 1 ऐड हो जाता है। ये प्रोसीजर हमको अप्लाई करना है,
याद रखिएगा, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, जब नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो वंस प्लेस को देखेंगे, नियरेस्ट हंड्रेड में राउंड ऑफ करेंगे तो टेंस प्लेस के रिजल्ट को देखेंगे, नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड ऑफ करेंगे तो हंड्रेड प्लेस के रिजल्ट को देखेंगे, और जब नियरेस्ट टेन थाउजेंड में राउंड ऑफ करेंगे तो थाउजेंड प्लेस के रिजल्ट को देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 में। 1.4 एक्सरसाइज पेज नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड्स। नीचे जो नंबर्स दिए हैं इनको टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड में राउंड ऑफ करना है। मैं आपको शुरू की दो बता रही हूँ, दो आपके लिए होमवर्क रहेगी। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको कॉपी में बताती हूँ। देखिए 5892 है, पहले से हम राउंड ऑफ करेंगे टेंस में। तो देखिए जब हम टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे, और वंस प्लेस के डिजिट क्या है, टू है, मतलब फाइव से स्मॉलर है, तो बगल वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा और वंस प्लेस की जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर इस नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट, ये टेंस में राउंड ऑफ किए थे, अब हंड्रेड में करेंगे। जब हंड्रेड में करेंगे तो टेंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे, वंस टेंस, टेंस प्लेस में क्या है, नाइन है। ठीक है, टेंस प्लेस में आपका नाइन है, तो बगल वाली डिजिट जो फाइव से बड़ी होती है नाइन, तो बगल वाली डिजिट में वन ऐड हो जाएगा, तो एट प्लस वन नाइन, और फाइव एज इट इज आ जाएगा, और वंस और टेंस दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट अब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड में। जब हम नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड ऑफ करेंगे तो हम किसको देखेंगे, हंड्रेड प्लेस की डिजिट को देखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड। अब देखिए हंड्रेड प्लेस की डिजिट में एट है, ये भी फाइव से ग्रेटर है, तो बगल वाली डिजिट में वन ऐड हो जाएगा, तो फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा, और वंस टेंस हंड्रेड तीनों की जगह पे आ जाएंगे जीरो। ठीक, अब हम राउंड ऑफ करेंगे टेन थाउजेंड में, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। जब टेन थाउजेंड में राउंड ऑफ करेंगे तो थाउजेंड प्लेस के डिजिट को देखेंगे, और थाउजेंड प्लेस के डिजिट में क्या है, फाइव है, तो मैंने आपको बताया था फाइव होगा या फाइव से ग्रेटर डिजिट होगी, तो बगल में वन ऐड होगा, तो फाइव है तो मतलब बगल वाली डिजिट में वन ऐड होगा। अब आप बोलेंगे बगल वाली डिजिट में तो कुछ नहीं है, तो वहाँ हम क्या एज्यूम करेंगे, जीरो एज्यूम कर रहे हैं कि जीरो है वहाँ पे, तो जीरो में हम प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन, और वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड की जगह क्या आ जाएंगे, जीरो। समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, 35,494, मैं आपको ये समझाने के लिए इस तरह कर रही हूँ, आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर वन में जो टेबल बनी है उसमें डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं सॉल्व में। ठीक है ना, देखिए अब सबसे पहले इसको हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। जब नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे, वंस प्लेस के डिजिट क्या है, फोर है, मतलब फाइव से छोटी है, तो बगल वाली डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, और फोर की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, और ये सब एज इट इज़ उतर जाती हैं, थ्री, फाइव, फोर और नाइन, और फोर की जगह जीरो। नेक्स्ट हम राउंड ऑफ करेंगे हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड तक, नियरेस्ट हंड्रेड में, तो नियरेस्ट हंड्रेड में राउंड ऑफ करेंगे तो टेंथ प्लेस के डिजिट को देखेंगे, और टेंथ प्लेस के डिजिट पे नाइन, डिजिट की जगह नाइन है, मीन्स टेंथ प्लेस में नाइन है। ठीक, तो बगल वाले डिजिट में वन ऐड हो जाएगा, तो थ्री, फाइव और फोर प्लस वन फाइव, और इन दोनों की जगह आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड में। जब हम नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड ऑफ करेंगे तो हंड्रेड प्लेस के डिजिट को देखेंगे, और हंड्रेड प्लेस में क्या है, फोर है, तो बगल वाली डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएंगी, और इन तीनों की जगह वंस टेंस हंड्रेड की जगह जीरो। नेक्स्ट अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेन थाउजेंड में। जब हम नियरेस्ट टेन थाउजेंड में राउंड ऑफ करेंगे तो थाउजेंड प्लेस के डिजिट को देखेंगे, और थाउजेंड प्लेस के डिजिट फाइव है, मतलब बगल वाली डिजिट में वन ऐड हो जाएगा, और वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड की जगह जीरो आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको। इसके बाकी दो आपके लिए होमवर्क हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में।